अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो परमिट किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आप लोग लर्नर बनवाते हैं, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और 6 मंथ के अंदर अंदर आपने जो है वो परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आप लोग सिंपल गूगल में जाकर DLIMS लिखेंगे, DLIMS लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से गूगल में डिफरेंट जो है वो लिंक्स आ जाएंगे। आप लोगों ने आपने जो है जो इसका होम DLIMS ये लिंक फर्स्ट है, इसको ये वाला .gov.pk के होम पेज पे क्लिक करना है। वेलकम टू इजी वे, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना, या आप लोग लाइसेंस इन्फो, ये जो है ना लाइसेंस इन्फो, इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर देना। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस, लर्नर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ से उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देख लें। हम लोगों ने जो है वो लर्नर परमिट करना है तो इसके लिए हम लोग एज लिमिट चेक कर लेते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 21 साल, ये LTV के लिए 21 साल है और जो मोटर कार और मोटरसाइकिल के लिए 18 साल है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर परमानेंट लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस की बात करें तो परमानेंट लाइसेंस जो है वो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं उसमें सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म ए विद इन फाइल कवर, उसके अलावा ओरिजिनल लर्नर परमिट ऑफ एटलीस्ट 6 वीक। जो आपका लर्नर परमिट होगा वो आपका मिनिमम जो है वो 6 वीक्स होना चाहिए, मतलब 42 डेज़ होता है इसका टाइम का, 42 दिन आपका कम से कम होना चाहिए लर्नर का। 42 दिन के बाद आप लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि आपका जो है वो 6 माह तक हो, 6 माह से ज़्यादा ना हो। 42 दिन के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, 3 अदद आपको पासपोर्ट साइज़, फ्रेश फ़ोटो ग्राफ चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, आपने वो टेस्ट करवा लेनी है, एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए, पेस्ट अ टिकट ऑफ मेंशन्ड फी ऑन लाइसेंस डॉक्यूमेंट, जो आपका लाइसेंस होगा, लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे आप लोगों ने टिकट भी पेस्ट करके लेके जानी है, स्लिप टू डिपॉजिट RS 100 इन एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक, अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, ये ओनली फॉर लाहौर वालों के लिए, बस 100 रुपये है जो है वो आप लोगों ने फ़ी डिपॉजिट करना। अब आपने यहाँ पे जो है वो चेक कर लेना है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लोग किस कैटेगरी में बनवा रहे हैं। अगर आप मोटरसाइकिल है तो उसके लिए टेस्ट फ़ी 50 रुपये है और इशू फीस जो है वो इसकी फॉर 5 ईयर्स 500 है। अगर आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो है वो 550 रुपये होंगे, मोटर कार के लिए 900 होंगे क्योंकि इसमें 750 जो है वो 5 ईयर कार्ड के लिए और 150 टेस्ट फीस है। उसके अलावा डिलीवरी वैन है, इसके लिए 340 है। नेक्स्ट जो है वो TR.com है, इसके लिए 600 है टोटल। TRE एग्री है, इसके लिए 300 है। उसके अलावा LTV के लिए 900 है, HTV ये 1200 HTV के लिए। रोड रोलर है, इसके लिए 600 है। लोकोमोटो है, 800 है। इनवैलिड कैरिज है, इसके लिए 120 है। मोटरसाइकिल प्लस कार है, इसके लिए 950 है। तो उसके अलावा मोटर कार प्लस LTV 950 है, मोटरसाइकिल प्लस रिक्शा 550, मोटर कैब प्लस रिक्शा 550, LTV प्लस PSV 900 है, HTV प्लस PSV जो लास्ट पे है इसके लिए 1200 है। ये इसकी जो है वो फर्स्ट टाइम आप जब बनवाने जाएंगे तो उसके लिए ये फ़ी है। तो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो है वो ऊपर बता दिए कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट आप लोग उनके ऑफिस में जाके जो है ये डॉक्यूमेंट ले जाएं। मेडिकल वगैरह उसी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या तहसील है वहाँ से बनवा लें, DHQ या THQ का एक्सेप्टेबल होगा, वो बन जाता है वहाँ से। तो आप लोग ये
फ़ी वगैरह वहाँ से उनसे पूछ लें किधर जमा करवानी है, ऑफिस से भी आपको टिकट मिल जाएगी, उनसे पूछ लें। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ईयर एंड में जब साल का एंड होता है तब उससे पहले पहले बनवा लिया करें, क्योंकि ये होता है इशू में साल के एंड जो है ना वो टिकट का इशू बनता है। मतलब अभी जो है वो आगे नेक्स्ट दिसंबर चलेगा, तो अगर आप लोग नवंबर में कर लेंगे ये, आप वेट ना करेंगे दिसंबर में अप्लाई करेंगे तो मैं मतलब कोताही हो जाती है, थोड़ा टाइम लेट हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो लास्ट मंथ जो है 12 मंथ 12वें महीने से पहले पहले अप्लाई करें, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जो है वो 12वें महीने में अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये होता है कि टिकट्स जो हैं वो शॉर्ट्स होती हैं, नेक्स्ट ईयर फिर प्रिंट होनी है, सारा मामला चलता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये नवंबर चल रहा है नवंबर में, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, आप अपने जो आपका तहसील है वहाँ से जो है वो मालूमात ले सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।